बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास नाइन्थ के रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फोर के, ठीक है। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं। अच्छा, यू सी 4.6 क्वेश्चन में है कि द स्टीयरिंग ऑफ अ कार, ये स्टीयरिंग मैंने शो की है। कार हैज़ अ रेडियस ऑफ, रेडियस मतलब सेंटर से लेके एज तक जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू कपल, कपल यानी कि कपल ऑफ फोर्सेस लगाने से, और कपल किसका बनता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का बनता है। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल यानी 50 न्यूटन फोर्स है गिवन है ऑफ 50 न्यूटन फोर्स, एंड इन दो फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट है, इस कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो आपने मालूम करना है। तो यू सी कि आप यहाँ पे रेडियस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो टॉर्क ड्यू टू कपल निकालने का फॉर्मूला है उसमें आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। यू नीड एफ इनटू एल, वेयर एल इज़ द कपल आर्म, ठीक है। और कपल आर्म जो है वो एल आपके पास क्या है, इट इज़ 2R, दैट इज़ 2 × 16 सेंटीमीटर, दैट इज़ 32 सेंटीमीटर। ये आपका कपल आर्म है। कपल आर्म मीन्स द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज विच आर कपल ऑफ फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ठीक है ना। इसको आप SI सिस्टम में लिखेंगे तो इट विल बिकम 32 सेंटी मीन्स 32/100, दैट इज 0.32 मीटर। सो दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। F कितना है, 50 है, इनटू L कितना है, 0.32 है, ये आपके पास आ गया 16 न्यूटन मीटर। सो दैट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्सेस दैट ऑफ 50 न्यूटन्स, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सॉल्व हो गया, इसको लिख लें जल्दी से। वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी 4.7 है कि अ पिक्चर इज हैंगिंग बाई टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, वर्टिकल स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पिक्चर ले लें ऐसे, और वर्टिकल स्ट्रिंग्स ऐसे हैं, और दोनों में जो टेंशन है यानी कि दे आर सपोर्टेड हियर, तो स्ट्रिंग्स में एक में टेंशन T1 है, एक में टेंशन T2 है जो इन्होंने दिया हुआ है। टेंशन इज़ ऑल्सो अ फोर्स, तो इसलिए न्यूटन में वैल्यू दी हुई है। और टेंशन इज़ ऑलवेज एक्टेड अपवर्ड व्हेन इट इज़ बीइंग, बॉडी इज़ बीइंग टाइड। दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ टाइड विद दिस स्ट्रिंग एंड इट इज़ बीइंग सपोर्टेड हियर एट दिस एंड, ठीक है। और वॉट इज़ द फेट ऑफ द बॉडी, वेट शुड बी लाइंग एट द सेंटर ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है। और वेट जो है इट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो फ्रॉम सीइंग द पिक्चर वी सी दैट के यहाँ पर हम कौन सा लॉ लगाएंगे या कंडीशन लगाएंगे, इट इज़ द यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। द बॉडी इज हैंगिंग, द पिक्चर इज हैंगिंग इन अ स्टेबल वे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, या दूसरे टर्म्स में सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग, सॉरी, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज ज़ीरो एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इज ज़ीरो। चाहे आप ये वाला यूज़ कर लें कंडीशन, चाहे आप ये यूज़ कर लें, ये दोनों फर्स्ट कंडीशन ही है, ठीक है। हम सम ऑफ फोर्सेज लगा लेते हैं, तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, T1, T2 एंड वेट, दीज आर द टू थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस सेम बॉडी पिक्चर। T1 और T2 की एक डायरेक्शन है, अगर हम इनको पॉजिटिव ले लेते हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, जबकि वेट डाउनवर्ड है इनके अपोजिट, तो इसे हमें माइनस लेना पड़ेगा और इसको हमें इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब T1 आपको दिया हुआ है, इट इज़ 3.8 प्लस 4.4 इज़ इक्वल टू W, कर लूँ माइनस W उधर ले जाते हैं, तो इट बिकम्स योर 8.2 न्यूटन इज़ इक्वल टू वेट। तो दैट इज़ योर आंसर। सिंपली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल है इसलिए, ठीक है। अब हम आते हैं 4.8 पे। ये है टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेस 5 kg एंड 3 kg, इन्होंने पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पे कि ये 5 kg है, ठीक है, और इसके नीचे इट इज़ टाइड विद अनदर स्ट्रिंग 3 kg, ठीक है, एंड दिस इज़ बीइंग सपोर्टेड हियर समवेयर। तो अब ये कह रहे हैं दे आर सस्पेंडेड बाई द टू स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एंड फाइन द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर इसको मैं मैस M1 कह दूँ, इसको मैस M2 कह दूँ, तो ये T1 होगा और ये T2 होगा, ठीक है। टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो वी सी दैट कि इसमें हम क्या लिखेंगे कि पहले हमने M1 लिखा, गिवन है 5 kg, तो इसको हम वेट में बदल लेते हैं। वेट 1 विल बी M1g, दैट इज़ 5 × 10 50 newton, ठीक है। इसी तरह M2 लिख लीजिए इज़ इक्वल टू 3 kg, तो
weight W2 will be M2G is equal to 3 into 10 means 30 Newton. अब हमने weights use करना है because weight is being pulled down. It is the weight which is suspended here. ठीक है, आप इसमें देखें again using the first condition. आप देखें, take the first case. इसमें weight of the body is W1 और tension इसके ऊपर कितनी हो रही होगी, बराबर act हो रही होगी. तो we see that इसको आप लिखें कि the total weight suspended here along in the downward direction is how much? Total weight is W1 plus W2 is equal to how much? 50 Newton plus 30 Newton is equal to 80 Newton. ठीक है, तो according to the first condition of equilibrium we see that के tension in the first string, ये जो टेंशन आ रही है ये इन दो वेट्स की वजह से आ रही है. ठीक है, तो T1 को अगर मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो T1 माइनस W1 माइनस W2 इज इक्वल टू जीरो करना चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या T1 इज इक्वल टू W1, वो अगली स्टेप में आ जाएगा W1 प्लस W2. ठीक है, तो ये हमारे पास 80 आ गया. तो T1 जो हमारे पास आ रहा है ड्यू टू दीज टू वेट्स, टेंशन जो T1 है वो टू वेट्स की वजह से है, तो वो 80 न्यूटन आ गया. ठीक है, जो T2 है ये T2 इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली दिस वेट एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है, तो T2 इज एक्चुअली ड्यू टू ओनली द वेट 2, तो वेट 2 इज 30 न्यूटन, तो T2 इज 30 न्यूटन. तो वी सी दैट दिस इज द आंसर, और ये हमारा T1 है, ये दूसरा आंसर है. T1 और T2 हमने मालूम करना था. यहाँ पे हम लिख लें कि हमने क्या मालूम करना है, T1 एंड T2 वो हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे सवाल नोट कर लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. 4.9 क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अ नट हैज़ टाइटेंड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर. ठीक है, यानी कि एक स्पैनर लिया, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उस पर फोर्स 200 न्यूटन लगाया, तो हमने एक नट को जो है खोल लिया. तो जो खोल लिया मींस उसको टर्न कर लिया, टर्निंग इफेक्ट उसमें से हमने प्रोड्यूस कर ली. तो वो T1 ले लूँगी क्योंकि ये F1 L1 लिया, तो उससे जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी tau1 हो गया. ठीक है, आगे क्वेश्चन ये मैंने इसलिए 111 लिया क्योंकि आगे दे आर यूजिंग अनदर स्पैनर ऑफ डिफरेंट लेंथ. वो डिफरेंट लेंथ L2 है, तो वो हमें नहीं पता. दे आर आस्किंग, दैट इज़ अ क्वेश्चन, कि कितनी लेंथ का स्पैनर लेंगे कि हम उसको जो है वो टाइट कर सकें. ठीक है ना, नहीं इसमें हमने टाइट किया और इसमें हम लूज़ कर सकें उसको. तो टाइट करने में भी टर्निंग इफेक्ट है, लूज़ करने में भी वही टर्निंग इफेक्ट है, वही नट है ना. तो जो आपने यहाँ पे टाइट करने के लिए यूज़ किया तो उतना ही टॉर्क आपको चाहिए टू लूजन इट. ठीक है, तो ये जो tau1 आएगा वो tau2 के बराबर ही होगा जस्ट टू लूज़ इट. ठीक है, लेकिन अब की दफ़ा हम फोर्स जो है वो पिछली दफ़ा के मुकाबले में कम लगा रहे हैं. तो व्हाट विल बी द लेंथ विद दैट स्पैनर, क्या स्पैनर की लेंथ होगी कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है. ठीक है, लेकिन टर्निंग इफेक्ट वही है. तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, पहले आप tau1 निकालिए यूजिंग द फॉर्मूला tau1 इज इक्वल टू F1 इंटू L1. दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड. F1 इज 200 इंटू 10 सेंटीमीटर में कर लेंगे तो ये 2000 न्यूटन सेंटीमीटर में आपके पास टॉर्क 1 आ गया. तो टॉर्क 2 भी आपके पास जो है ना वो कितना हो जाएगा, 2000 न्यूटन सेंटीमीटर. अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ टॉर्क 2 इज इक्वल टू F2 इंटू L2. अभी मैंने आपको बताया कि टॉर्क 1 और 2 दोनों सेम है, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़, टॉर्क 2 आपके पास आया है 2000, F2 आप कम लगा रहे हैं 150, तो L2 कितना है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू L2. ये सॉल्व करें, ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 4 20. ठीक है, तो ये आपके पास 3 1 3, 3 3 9, 13.3. तो L2 आपके पास 13.33 सेंटीमीटर में आ जाती है. ये आप यहीं पे मीटर में बदल लेंगे तो आंसर 0.13 मीटर आएगा, तो दैट वुड नॉट ऑल्सो बी रॉन्ग, वो भी ठीक है. तो आप इस तरह से सॉल्व कर लें, इसको आपने माइंडेड जो आपका सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है उससे नहीं करना, क्योंकि ये यानी कि tau1 इज इक्वल टू tau2, यहाँ पर F1 इंटू L1. चलें इसको भी आप इस तरह से, जब आपको यहाँ बता ही दिया है कि सेम टॉर्क यूज़ हो रहा है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2 करके, दैट इज़ अनदर मेथड आप सॉल्व कर लें. L2 अननोन होगा और ये सारी चीज़ें आपको, ये सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्टली ये सॉल्व, इसकी बजाय आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है ना, तो दैट इज़ अनदर वे.
एन ऑल्टरनेटिव सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं 4.10 पे, इसको नोट कर लें फटाफट जल्दी से। जी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं इसको ड्रॉ करके मैं बता रही हूँ आपको। अब ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg का मास ऑफ ब्लॉक लेके इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm। कितने डिस्टेंस पे? 20 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार ऑफ 1 meter लेंथ। ये पूरी लेंथ जो है वो 1 meter है, या आप कह लें कि 100 cm है, इसका सेंटर 50 cm यहाँ तक, ठीक है। तो इस सेंटर से 20 cm ऑन वन साइड, चाहे इधर बना लें चाहे इधर बना लें, हम इस तरह बना लेते हैं, तो ये वेट इज़ बीइंग सस्पेंडेड। आगे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने के लिए आप ज़ाहिर है कि इस सेंट्रल ग्रेविटी भी, इस यूनिफॉर्म बार बोल रहे हैं तो इसका सेंट्रल ग्रेविटी भी एट इट सेंटर लाई करेगा, ठीक है। ये अब हमें मालूम है ये बातें, ठीक है। तो व्हाट वेट मस्ट बी सस्पेंडेड हियर एट द अदर एंड, ये एक एंड ये है ना जहाँ वेट लगाया हमने, तो एट द अदर एंड ये बनेगा। अगर आपने यहाँ ये 10 kg यहाँ लगाया होता तो अदर एंड वुड हैव बीन दिस, फिर ये होता, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना वेट लगाएंगे कि आप ये बैलेंस कर सकें इसको, ठीक है। अब यू सी, अगर आपको ये डिस्टेंस दी हुई है 20 cm, मैं इसको M1 ले रही हूँ तो मैं इसको L1 ले लूँगी। लेंथ द मोमेंट आर्म L1 ड्यू टू दिस मैस M1 या वेट 1, और ये वेट 2 कह देती हूँ इसको। और ये जो डिस्टेंस आ रही है ये कितनी हो जाएगी, दिस वुड बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस यूनिफॉर्म बार जो कि 100 cm लॉन्ग है, तो ये हो गई 50 cm, और इसको मैं L2 कहूँगी क्योंकि वेट 2 लिया है, एनोलॉजी रख के कि ये सेकेंड वेट है, तो W2 और L2 उसकी लेंथ। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कह लें, या यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हैं, दोनों सूरतों में ये लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे कि F1 into L1 मस्ट बी इक्वल टू tau1 इक्वल टू tau2। देखें ये जो वेट है ये कैसा टॉर्क डेवलप कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज tau1, और ये वेट अबाउट दिस पॉइंट, और ये वेट कैसा टॉर्क दे रहा है tau2 क्लॉक वाइज, ठीक है। तो दे मस्ट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया इज इक्वल टू इनटू L2। अब ये पहले मैं इसको वेट बना लूँ, या वेट इज़ ऑल्सो ए फोर्स, W1 इंटू L1 लिख लूँ या F2 लिख लूँ, इट डजेंट मैटर। W1 क्या हो जाएगा, M1 इंटू G, तो ये हो गया 10 × 10, दैट इज़ 100, ठीक है ना, 100 newton। तो ये F1 आप कह लें कि F1 इज़ W1 एंड F2 इज़ W2। तो F1 W1 है कितना आया मेरे पास, 100 newton, 100 मल्टीप्लाइड बाई L1 इज़ 20 cm, इसको 0.2 कर लीजिए मीटर्स में, इज़ इक्वल टू F2 आपने मालूम करना है, W2 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू F2 इंटू L2 आपको गिवन है 50 cm, मीन्स 0.5 meter। तो F2 विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5। ये डेसिमल कैंसिल हो गया, वी गेट हीयर 200 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 40 newton इज़ द W2, ठीक है। ये आपके पास W2 कितना आ गया, 40 newton। दिस इज़ हाउ यू सी यू बैलेंस दिस सिचुएशन। ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन आई हैव हियर एक्सप्लेन यू यूजिंग द डायग्राम, आपको समझ में आना चाहिए, वरना इतना काफ़ी है, ठीक है। दैट एंड्स दिस चैप्टर नंबर 4। अब हम चैप्टर 5 नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिजिक्स पेज चैनल को याद रखिए, मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए, आपके लिए है। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।